आज की जो वीडियो है, हम जो है एक सोनी का टीवी है 40 इंचेस, उसमें प्रॉब्लम ये कि 6 ब्लिंक्स पहले आ रहा था, तो हमने उसको जो है बैकलाइट सारी चेंज कर दी थी अभी 10-15 दिन पहले। अब प्रॉब्लम क्या है कि ग्रीन लाइट जलती रहती है लेकिन 6 ब्लिंक्स नहीं आता, लेकिन उसकी जो 6 ब्लिंक्स बंद हो गया, लेकिन वो ना उसके अंदर बैकलाइट जलती है और ना ही उसमें कोई डिस्प्ले। तो बड़ा ही रेयर फॉल्ट है, सब कुछ करके देख लिया इसमें, तो फिर बाद में जो प्रॉब्लम समझ में आई उसको करके देखते हैं, अभी टीवी खोल के देखते हैं कि प्रॉब्लम इसमें क्या है। तो जब हमने इसकी खोलने के बाद वोल्टेज वगैरह चेक की तो वोल्टेज वगैरह भी ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स इसमें आ रही थी वो ये थी कि नीचे से शुरू में बैकलाइट जलती है और बंद हो जाती है। तो हमने ये 10K 31 पिन से अर्थ करके देखी कि इसका प्रोटेक्शन ख़त्म कर दें, लेकिन उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम थी, बैकलाइट जलती और बंद हो जाती थी, जबकि सारी की सारी बैकलाइट हमने चेंज करी थी। ऐसा नहीं था कि कोई एक आधी चेंज करी हो, सारी बैकलाइट हमने नई की नई जो है चेंज करी थी। तो बहुत ही अजीब सा फॉल्ट इसमें आया है। सोनी के फॉल्ट वैसे भी बहुत ही अजीब से होते हैं, जैसे जब तक चलता चलता नहीं तो ये कभी भी बंद हो जाता था। तो फिर हमने जो है आईसी की वोल्टेज वगैरह भी चेक करी इसकी, सब कुछ ओके नज़र आया, लेकिन वही है कि बैक लाइट नहीं जल रही और ग्रीन लाइट जलती रहती है। तो खोल के हम इसको ओपन करके हमें फिर बैक लाइट तक पहुंचना होगा, तो इसके बोर्ड वगैरह खोल लेते हैं और सारा का सारा जो है आगे से हमें पैनल, एलसीडी, रिफ्लेक्टर सब कुछ हटाना पड़ेगा दोबारा से, तभी हम जो है एक बार बैक लाइट तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो इसमें प्रॉब्लम मेन आ रही है वो बैक लाइट से ही आ रही है। बैक लाइट की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। खोलने में थोड़ा टाइम लगता है इसको, ये जो पैनल है इसको बहुत ध्यान से हटाना है, क्योंकि बड़ा पैनल है, चटकने का टूटने का डर है, तो कॉर्नर से मोस्टली ना पकड़ें, किनारे से उठा के भी बीच में धीरे से हाथ लगा के इसको उठा लें। और कॉफ का क्रैक होने का डर रहता है ज़्यादातर, तो इसको ध्यान से निकाल के इसको फोल्ड करके और इस पर सेलो टेप लगा दें, ताकि ये जो है एक जगह इंटैक्ट रहे, मुड़ के कॉफ या बाकी चीज़ें टूटने का या क्रैक होने का डर न रहे। सेलो टेप से चिपका के तब हम इसको आराम से हटा सकते हैं, इसके हिलने का डर ख़त्म हो जाता है। तो फिर इसको एक एक करके ध्यान से उसी पोजीशन में रखते रहें जिस पोजीशन में हम निकाल रहे हैं। ये सारी बैक लाइट्स जो है मैंने नई की नई चेंज करी हैं, ए बी जो है पूरी 5-5 करके जो स्टिक्स होती हैं एलईडी की, सारी नई बदली, ताकि ख़राब होने की या ऐसी गुंजाइश ना रहे कि कोई पुरानी और नई मिक्स हो गई है। ये लॉक हम निकाल लेते हैं सारे, चिमटी से दबा के सारे लॉक निकाल लेंगे, ताकि हमारी ये वाइट जो कवरिंग है ये अलग हट जाए और हम बैक लाइट को फिर ध्यान से चेक कर सकें। ये जितने भी लॉक हैं इनको एक साथ रख दें, क्योंकि कई बार क्या होता है एक आध गिर जाता है, मिस हो इधर उधर मिस हो जाता है, तो वहीं से ये थोड़ा सा उठा रह जाता है। तो शीट हमने हटा ली है और इसमें देखते हैं कि जितनी बैक लाइट है हमने उसको डबल लेयर डबल प्रोटेक्शन कर रखी है, वो उसके सॉकेट के अंदर है, होने के बाद भी हमने उसको रेड और ब्लैक वायर से सोल्ड कर दिया है, ताकि ये जो है अगर किसी वजह से उसमें कोरेशन या कोई भी इंसुलेशन आ जाए तब भी वो कनेक्टर से जुड़े रहें। मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो स्ट्रिप से बाहर वायर आते हैं बोर्ड तक, वो वायर कहीं से ब्रेक हैं या
उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उसी में से वो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। सारी LEDs हमने अलग अलग भी चेक करी हैं तो दोनों साइड की जो है जल। अब हमने क्या किया है, सारी स्ट्रिप से जो वायर्स हैं अलग से सोल्ड कर लिया। जो पुरानी हमारी सॉकेट था वायर का, वो भी हमने इंटैक्ट रखा है, उसको भी हमने काटा नहीं है। और जितने पॉजिटिव हैं दोनों साइड के, वो हमने रेड में ले लिए हैं, और बाकी जितने भी नेगेटिव वायर्स हैं वो हमने येलो कलर्स में ले लिए, और सब पे नंबरिंग कर दी है। छोटे छोटे उस पर टेप लगा के नंबर्स डाल दिए हैं। वैसे तो सब मैकेनिक्स को पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर्स डाल दिए हैं, ताकि जो है हमारे पास बाहर जब वायर्स आएँ तो उसी ऑर्डर में आए। तो बाकी हम सप्लाई से चेक करते हैं तो सारे LED हमारे जो हैं बराबर जल रहे हैं। थोड़ा कम जल रहे हैं क्योंकि ये पावर सप्लाई थोड़ी कम होती है, और उसमें तो 35 और 34 के आसपास आती है, जिससे सारी इल्यूमिनेशन बढ़िया हो जाता है। तो उसके बाद हम ये वायर्स जो हैं सॉकेट्स में के साथ ही पीछे से बाहर निकाल लेंगे, और इसको फिर जो है बोर्ड में लगाएंगे। अच्छे से थोड़ा सा टेप लगाते हैं ताकि वायर्स जो हैं आपस में जो है चिपके ना, या इधर उधर ना हिलें, और नीचे आराम से चिपके रहें। उसके बाद जो है ये वाइट वाला जो पैनल है वो लगाना है हमें, और जितने भी वायर्स हैं इस पर हमने कोडिंग करी हुई है, वायर्स के साथ टेप लगा के उस पर नंबरिंग कर दी है। फिर एक एक करके रिफ्लेक्टर और शीट वगैरह हम वापस पैक करते जाएंगे। तो हमारी ये प्रॉब्लम वहाँ से तो सॉल्व हो गई है कि बैक लाइट और वहाँ से जो वायर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैनल को ध्यान से फिट करना है, ज़्यादातर कॉर्नर वगैरह बहुत ध्यान से लगाएं, क्रैक ना हो, क्योंकि ये क्रैक होगा तो हमारा पूरा पैनल बेकार हो सकता है। उसके बाद जो है ये टेप सेलो टेप हटा के और वापस हम इसको फिट कर देंगे प्लेट को। ये काम थोड़ा सा ध्यान रखने वाला होता है, क्योंकि अगर इसके कॉफ क्रैक हो गए, टूट गए, तो हमारा पैनल डैमेज हो सकता है, बेकार हो सकता है। प्लास्टिक के टैब में आराम से इसको फिट कर दें तो हमारा पैनल आराम से सिक्योर हो जाएगा, और बाकी फिटिंग हम बाद में आराम से कर सकते हैं। तीनों लॉक हो गए हमारे पैनल के। उसके बाद प्लेट लगा के, जो मेटल की शीट हमने प्लेट हटाई थी वो लगा के और ऊपर की कवरिंग लगाएंगे, उसके बाद हम वायर्स होल्ड करेंगे इसके प्लेट के अंदर। बोर्ड फिट हो गया है, और ये जो प्लेट्स हैं इसके वायर हम सारे हमने कोडिंग करी है उसी ऑर्डर में, लेफ्ट साइड से और राइट की तरफ बढ़ते हुए हम इसको पैक कर सोल्ड करेंगे। ये येलो वायर हटा के हम वापस यहाँ पे रेड वायर लगा देंगे, ये हमने पिछले वाले सॉकेट में पॉजिटिव के लिए लगाया था। सारे सोल्ड हो गए हैं। यहाँ पे हमने 10K की रेजिस्टेंस भी लगाई थी प्रोटेक्शन हटाने के लिए, लेकिन इसने भी काम नहीं किया क्योंकि प्रॉब्लम बैकलाइट की तरफ से ही आ रही थी। चेक करते हैं, और हमारा सोनी आ गया लिखा हुआ, और ये ओके हो गया है। ऊपर की बैकलाइट थोड़ी बाद में जलती है, ये पूरा ओके हो गया है।